हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? हमारे यूट्यूब फैमिली सारे ठीक ठाक ही होंगे और मजे में होंगे, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुन्नी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यू का ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखिए। साढ़े छः से सोए तो अभी 8 बजे उठे हैं, तो खाना बना रहे हैं और काफ़ी काम करना है रात को। जब पति देव जी लाए हैं आटा, वो भी आटा को रखना है ड्राम में भर के, खाना बना लेते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी और चावल सिर्फ बना रहे हैं, क्योंकि पति देव जी तो है नहीं और आज वो आएंगे भी नहीं, कल आएंगे वो। तो सोचे कि सब्जी चावल ही बना देते हैं, ऐसे भी तो हम लोग सब्जी चावल ही खाते हैं। और सारा काम पड़ा है, ऐसे तो दाल भात, दाल चावल पे भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग भिंडी की सब्जी या चावल भी खा लेते हैं। तो खाना मेरी बन गई है दोस्तों, खाना बनाने के बाद अब आटा रखने में लग गए हैं, ताकि मेरा जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि सोने की वजह से लेट हो गया, 9 बज गया है अभी। और ये देखिए, अब हम आटा को रख लेते हैं। राशन भी घर में आता है, तो इसे भी संगोल कर रखना एक काम ही होता है। तो बेड की मेरी साफ सफाई हो गई, बिस्तर देखिए अच्छा सा झाड़ झूड़ कर लगा दिए हैं, चलते हैं झाड़ू लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, जैसे कि निमकी है, निमकी ठेकुआ बना रहे हैं। तो किस लिए बना रहे हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं आप लोगों को कि हम बना रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए, वो रहता है बाहर, तो वहाँ पे एक बहन बेटा लगता है, वो जा रहा है उसके पास, वो भी जा रहा है काम करने। तो एक पे एक फोन करके बोला कि आज हम जा रहे हैं, तो सोचे कि थोड़ा सा भाई को कुछ बना के भेज दे, बड़ा भाई को। तो यही बना दे रहे हैं, निमकी और ठेकुआ। ये देखिए, खस्ता निमकी, खस्ता ठेकुआ, बेटा झूठा नहीं उठाया, उठा दो बेटा। तो यहाँ पे नमकीन को छान रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों, नमकीन को इतना सारा छान लिए हैं और एक घान और डाले हैं यहाँ पे। और बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं और अकेले ही हम अभी बना रहे हैं, देखते हैं वो जो आ रहा है घर से बहन बेटा, वो कब आता है। 12 बजे, 12 बजे रात को ना गाड़ी है। और थोड़ा सा खस्ता ये ठेकुआ भी बना रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो खाता नहीं है उतना, फिर भी होली में इन साल नहीं था, बाहर ही था, वो खाएगा तो खाएगा, थोड़ा सा बना दे रहे हैं। देख सकते हैं अपने बड़े भाई को भेजने के लिए, तो आधा केजी का मैदा, आधा केजी का खस्ता ठेकुआ बना है। आधा केजी का मैदा ना, सॉरी, आधा आधा केजी मैदा का निमकी और आधा केजी मैदा थी मैदा का ठेकुआ, यानी कि 1 केजी का बनाया है। और बच्चे हमारे ढोडो के खाने पे लग गए हैं, तो क्या ही सब जाने देगा कि नहीं। देखिए छोटी बेटी 2 ठेकुआ खा गई, खस्ता यही बाबू खा गया 2। तो चलिए अभी आने वाला है, हम 1 खाए हैं, बहन बेटा लगता है 12 बजे उसका ट्रेन है, तो जब तक इसको रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तो प्लास्टिक में भर के दे देंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ना माँ बेटी बेटा सब अकेले हैं, आज मेरे पति देव जी आज नहीं आए हैं काम करने गए, तो कल आएंगे। और जो हम ठेकुआ निमकी बनाए, तो वो बहन बेटा जो था वो आया, और इतना जल्दी में था ना, आया और तुरंत ही चला गया, हमें प्लास्टिक में भरने उड़ने लगे, खाना दिए, खाया बेचारा, खा के और गया। तो हम तो वीडियो नहीं बनाते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं बनाते हैं, बिना कहे नहीं बनाएंगे, है ना। ब्लॉग जो करते हैं सो हम खुद से करते हैं, लेकिन बच्चे हमारे नहीं करते हैं, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। तो निमकी ठेकुआ वो हम अपने बड़े भाई को जो दे दिए, और वो कल बीच परसों पहुँचेगा, नासिक गया है, नासिक मेरा बड़ा भाई रहता है वहाँ, तो उसके लिए निमकी ठेकुआ बनाए थे। और अभी बेटा खाना खा के, फिलहाल मेरा बेटा अभी ठेकुआ खा रहा है, ये देखिए हाथ में, रात रात तक खाएगा, 10 बज गया है, पूरे 10 हो रहा है, और इधर एक तड़तड़ा रही है, ये निमकी तड़तड़ा रही है
तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, तो अब चलते हैं सोने। तो दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। प्लीज दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमारा एक ही रूम है, हम एक ही रूम में अपना लाइफ स्टाइल वीडियो शूट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तो आप लोग प्लीज देखा कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट और मदद मिल सके आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के टाइम। तो सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज अभी 5 बजे आज उठ गए, सोचे थे कि नहीं उठेंगे। ऐसे तो रोज डेली हमें भी हमारे पति देव जी जगाते थे बच्चों को लंच बनाने के लिए, तो आज नहीं थे तो हमें टेंशन था, नींद भी नहीं आ रहा था। तो अभी हम लंच बनाने लगे हैं बच्चे के लिए। और ये देखिए आज चिल्ला बना रहे हैं, चीनी वाला मीठी चिल्ला बना रहे हैं, मीठा वाला चिल्ला। और छोटी बेटी का फरमाइश था कि मम्मी कल चीनी का चिल्ला बना दीजिएगा, तो वही बना रहे थे। ये देखिए तो चलिए बना लेंगे नाश्ता, उसके बाद चाय लिमिट चाय बना के पियेंगे, उसके बाद खाना बनेगा, है ना। और आज दोस्तों एक पर्व है, आज है बिसुआ यानी कि सतुआनी। हम लोग के यहाँ ये पर्व सतुआनी मनाया जाता है। सत्तू चढ़ता है आज भगवान जी पे, और सत्तू और गुड़ खाइए और सत्तू चढ़ता है। ये पर्व मनाया जाता है, हमारे गांव में मनाया जाता है और लगता है कि हमारे घर में भी मनाया जाता है, हमारी सासू माँ करती हैं। हमें उतना याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, लगता है कि कभी उनको देखे हैं। तो आज ये पर्व है तो नहा धोकर पूजा भी करना है ना। तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा मीठा चिल्ला भी बना देंगे। और क्या है ना कि पति देव जी आएंगे तो उनको बोले हैं आज क्या चीज़ लाने के लिए, आज बोले हैं आज आने वाले हैं, देखिए कब आते हैं। तो उनको बोले हैं आज भदुआ पाक मुरब्बा लेके आने के लिए, उधर से पालीगंज तरफ गए हैं काम करने, तो पालीगंज से। तो दोस्तों बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मेरी हो रही है घर की धोवाई पोछाई, क्योंकि आज है बिसुआ पूजा है। तो ये देखिए घर धो पोछ ले रहे हैं और अभी खाना नहीं बनाए हैं, सोचे कि नहा धो कर पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। तो अभी घर धो रहे हैं, ये देखिए घर धोए हैं, यहाँ पे सब्जी रखे हैं हटाकर, पलंग के बेड के नीचे रखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, बाल्टी में पानी रखे हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि हम अकेले ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले रहे हैं, प्लीज आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों नहा धो के और रेडी हो गए हैं और चलते हैं थोड़ा भगवान जी का पूजा कर लेते हैं। तो आते हैं पहले फूल लेकर, बाहर एक पेड़ है, फूल लेकर थोड़ा पूजा करेंगे, उसके बाद बनेगा क्या खाना। खाना आज नहीं बनाए हैं, नहाने धोने में लगे थे, तो बने रहिए। दोस्तों मेरे अभी बनने लगी है खाना और मेरे पति देव जी भी पधार गए हैं, आ गए हैं काम करके, और खाना भी नहीं अभी बना है। तो अभी हम बना रहे हैं केला जो लाए थे उस दिन ना, वही केला और आलू मिलाकर सब्जी और चावल। और ये इतना रखे हुए हैं, इसको उबाल के, छिलका है इसको उबाल के, और आज कच्चे बना रहे हैं केला को, उबाले नहीं है तो कच्चा ही रख दिए हैं, उसको उबाल के और चटनी बनाएंगे। स्कूल से आ गए हैं दोस्तों, देखिए आते हैं तो झोला ढूंढने लगे हैं पापा जो इसको लेकर आए हैं, जो देखिए ये पापा इसके लेकर आए हैं क्या चीज, देखिए भतुआ पाक बोली थी पालीगंज से लाने के लिए। और ये बेटा हमारा ना पापा से अभी माजा खरीदवा के उधरे स्कूल बोल रहा था ना दुकान में कि 100 लीटर के माजा दीजिए, 100 लीटर के माजा लाता है बताइएगा। तो आ गए देखिए बच्चे को लेकर पति देव जी, खाना अभी नहीं खाए हैं हम लोग, टाइम हो गया कितना 12 बज गया, कोई ना हम भी नहीं खाए हैं। अब बाबू देखिए ड्रेस नहीं खोला है, मुरब्बा खा रहा है, मुरब्बा दौड़ दौड़ के।